सरकार दे रेवन्यू का सीधा सीधा घपला। चोर बुजारी इस कदर वध गई है कि इन्होंने शर्म वेच के खा ली है। इन्हों कि चीज़ का डर खोफ नहीं है, कि चीज़ की इन्होंने परवाह नहीं है। सब थलों लैके उपर तक रले पे ने। रोज़ का लखा का घपला हो रहा है। इन्हों पता नहीं, इन्हों मैं चलान दिते ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ने जी। आप पिछे ट्रैक फड़िया है तो पब्लिक ने साढ़े कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने सूँ दसा कि साढ़े नाल घपला किया गया वा। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ने जोड़े मैं तुम्हें विखा रहा, यह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अंदर जमा होंगे ने तो चलान होया, बट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साढ़े को ने तो अंदर ताड़ा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि एजेंट आ थ्रू मिल चुके हैं। जे किसी का 5,000 का चलान होया वा तो की करते हैं, 1,000 रुपया लेंदे ने तो अंदरों ता डॉक्यूमेंट आ जाता वा। सरकार का 5,000 का नुकसान तो 1,000 रुपया इन्हों का 500 रुपया रंधावा साहब को मिल जाता। 5 साल हो गए रंधावा साहब एको सीट ने कमाऊ कुतने, ता ही तो ट्रांसफर नहीं होती। चीज़ ध्यान ली है कि कुछ चलान ने जोड़े चलान विंडो तो उन्होंने एजेंट का जोड़ा उन्होंने खर्चा लाया कि शायद जोड़े साढ़े डीलिंग कलर्क ने वह कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मिसिंग ने, जोड़े ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ने वो मिसिंग ने। सो उन्होंने एलीगेशन लाई है कि सानू डॉक्यूमेंट्स बारे एग्जैक्टली दसिया जाए। तो मैं उन्होंने भी बेनती की है कि सानू एक रिटर्न जी है ये जो रिटर्न जो भी कहना चाहते हैं जो भी एलीगेशन लाना चाहते हैं वो संबंधी सानू एक रिटर्न दरखास्त देन ता जो ढुकवी कर दूसरे ड्राइवर से कॉन्टैक्ट किया, उसने मुझसे कॉन्टैक्ट किया क्योंकि उसके पास इतनी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि वो यहाँ पे आ सके और अपनी जो RC है यहाँ पे इनके उसके डॉक्यूमेंट से वो यहाँ पे ले सके। तो मतलब उसने मेरे से कॉन्टैक्ट किया, अभी मैं यहाँ पे आया हूँ तो जब भी मैंने डॉक्यूमेंट अंदर दे दिया है तो मेरे पास एक एजेंट आता है, बस कहता है इतना आप सिर्फ इतना पूछो फाइन कितना हुआ है, तो बस फाइन ही पूछना। जब मैंने अंदर उसको पूछा सर जी को, सरदार सर को, तो वो कह रहा है 20,000 हो जाएगा। मैंने उसको बोला सर कम नहीं हो जाएगा, तो उसने बोला नहीं कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैंने अगर मैं गलत पूछ रहा हूँ तो उसने किसी को फ़ोन किया अंदर से, उसने बोला नहीं 20,000 हो जाएगा। तो फिर जब वो एजेंट मतलब मैं अंदर से सोच रहा हूँ, जब मेरे पास एजेंट आया उसने बोला 10,000, तो ये बोल रहा है 20,000, तो मसला क्या है? तो मतलब यहाँ पे जो सरकार है वो कहाँ सो रही है? कि मैं भी मतलब अगर मैं नहीं आता, वो अगर वो कश्मीर से ही आता तो एक तो हो जाता है 2-4 हज़ार उसको मतलब वो लग जाता है, किराया लग जाता है आने जाने का। तो दूसरा वो एक तो वो मजदूरी करता है, दूसरे वो वहाँ से 20,000 यहाँ पे फिर उसको जुर्माना पड़ेगा। अगर ये मतलब ऑफिशियली काम नहीं कर सकते तो फिर ये अनऑफिशियली क्यों काम करते हैं ऐसे? अगर ये ऐसे ऑफिशियली हमें 20,000 मैं नहीं दे सकते, एजेंट ने हमें कैसे बोला है? तो ये होता है। मेरा नाम जी वरुण सरीन है, मैं आज RTA अमृतसर आया वहाँ। कुछ चलान मेरे हाथ से जिदा तुम देख सकते हो, ये चलान ने अं अज इतने आए हैं जी एक बहुत व्डा खुलासा करन, जिहड़ा कि सीधा सीधा सरकार दे रेवन्यू का घपला किया जा रहा है। इतने ये लोग ने जिन्होंने हाँ ट्रैक वाली वीडियो जो आप पिछले तुम विखाया है ट्रैक तो बहुत व्डा घपला, उन्होंने साढ़े नाल संपर्क करके सू अपने चलान दे के गए हैं। इतने की करते हैं जी, इतने जिमें किसी का चलान होया वा, ये 5,000 का जो किसी का चलान हो गया, इतने इन्होंने एजेंट भाए ने, एजेंट जिहड़े इन्होंने भाए ने वो की करते हैं कि इन्हों को 1,000 रुपया लैके इन्हों का 5,000 का चलान कढ़ देंगे ने। तो चलान की स्टार्टिंग 5,000 10,000 बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है कि नहीं? तो ये कढ़ देंगे ने। आप अज इन्हों को आए हैं चलान कढ़वा, इतने अंदर रंधावा जी बैठे ने सरदार जी, अं उन्होंने चलान दिता एक, अं कह दी जी डॉक्यूमेंट कट दो, उन्हों को डॉक्यूमेंट नहीं निकलिया, फिर अं दूजा चलान दिता, तीजा चलान दिता, इन्हों को इन्हों का डॉक्यूमेंट नहीं है क्योंकि इन्हों के डॉक्यूमेंट ओनर को पहुँच चुके हैं, तो ओरिजिनल चलान मेरे को ने। यह बहुत व्डे लैवल से रोज़ का जे घट्टो घट भी एसटीमेट लाया जाए, जे चलान 50 चलान भी रोज़ के भुगतते हैं तो 2.5 लाख रुपये का रोज़ का घपला कर देने, जे 2.5 लाख का घपला रोज़ का आता 75 लाख रुपया महीना। आप संबंध में RTA साहब अर्शदीप जी ने भी मिले हैं, उन्होंने भी सानू आश्वासन दिता वा कि आप रिटर्न कंप्लेन दो रही ये कार्रवाई करा। मैं इतने यह भी कहना चाहवागा अर्शदीप जी को कि जे उन्होंने सुपरविजन से थले काम हो रहा तो की उन्होंने पता नहीं लगन दिया कि यह सब चलन दिया? बहुत पुराने टाइम तो चलन दिया, बहुत जेडे अंदर रंधावा जी बैठे ने पिछले 5 साल तो एको सीट ने, इन्हों की क्यों नहीं ट्रांसफर की गई अज तक? क्योंकि ये डिपार्टमेंट के कमाऊ पुत ने, ता करके इन्हों की ट्रांसफर नहीं की गई। इतने मैं अज एक अपील अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर राजा बड़िंग जी ने भी करना चाहवागा कि आप जो ट्रैक फड़िया ही वोदिया रिटर्न दिया कंप्लेंटा मेलों इन्हों फोन भी किए बट उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं हुई। हूँ अज आप इन्ना व्डा घपला उजागर करने 2.5 लाख रोज़ का 75 लाख रुपया महीना बन गया,
75 लाख रुपया महीना सरकार का रेवन्यू खाधा आ रहा वा तो एर तो कोई एक्शन नहीं इन ये कमाऊ पूत ने यह कि भरते हैं ये अज रंधावा जी ने अपने मूँह बोलिया वीडियो च कि अही जी महीने भर दी है तो ठीक है यदा मतलब ये डिपार्टमेंट महीने भर के अज तक बचता आया वा ये महीने भरता वा डिपार्टमेंट यदा मतलब चोरिया करे कैबिनेट मंत्री है बसा तो बसा फड़ रहे क्योंकि डिपार्टमेंट क्यों नहीं जाते देखो जी जड़िया बसा तो बसा फड़न कोई दिल्ली जाके फड़ रहे कोई कुछ कितने फड़ने और राजनीति स्टंट चलन दिया मैनू तो लगता मैं राजा वड़िंग जी की तह दिलो इज्जत करता वा बट इतने मैनू ये कह लगे कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस हो रही कि पोलिटिकल स्टंट हो रहे हैं कम वो किया जाए जिन्हें पब्लिक का फायदा होना सरकार रेवन्यू आए